ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया, चलिए तो ये वाला पार्ट आपको सेकेंड पार्ट में दिख रहा होगा। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने चार क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक, तो अब अपना नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12.5। तो जैसा कि आपको पता है, जो लोग पिछली क्लास देखे होंगे कि वो लेक्चर थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा था, तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इससे पहले जो आपने देखा है वो इससे फर्स्ट पार्ट में देखा है ना, या आप क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देख रहे हो। हालांकि रिकॉर्डिंग एक ही दिन हुआ लगातार, ये भी पता समझ रहे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो लोग नए लोगों, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया ना उसमें बेस्ट जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बनेंगे, सो इधर भी देख लो, जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं ना अभी तक, उस पर जो भी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम लगातार कर ले रहे हैं। फिर जब हम पढ़ लेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म तो वहाँ पर आगे क्वेश्चन कर लेंगे। तो अपने पढ़ाई के सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर होगा अपना 5 एनसीईआरटी का 12.5। तो हमेशा की तरह, पिछले लेक्चर की तरह, आपको क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिखेगा पट्टी के फॉर्म में, है ना। क्या पट्टी है, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट आईपैक नेम। सर आईपैक होता है, आईपीएससी होता है ना, आईपीएससी होता है, हम आईपैक बोलते हैं उसको बढ़ा चढ़ाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट आईपैक नेम फॉर द कंपाउंड कंसर्न्ड। ठीक, तो कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, उनका पेयर दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो कंपाउंड को बताने के लिए मुझे एक बार ना कंपाउंड के नाम तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भले आपको नीचे दिख रहा हो तो मुझे कंपाउंड के नाम तो लिखना ही पड़ेगा। तो उस कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए मैं दो पार्ट कर लेता हूँ, और इस पार्ट को आप चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, है ना। मैं लिखता हूँ, मैं आपसे बातें भी करूँगा, इस वजह से ना मैं ये चीज़ एडिट नहीं करूँगा, है ना। कंपाउंड लिखते वक्त मैं आपसे बात भी कर रहा हूँगा। ठीक, आप चाहो तो इसको फॉरवर्ड कर लेना। तो सर 12.5 है ये, ब्लैक वाला तो भैया धोखा ही दे रहा है, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको 12.5 क्वेश्चन नंबर 5 अपना। तो पहला कंपाउंड दिया है, ठीक, पहला कंपाउंड क्या दिया, 2,2 डाईमेथिल पेंटेन, 2,2 डाईमेथिल पेंटेन। ठीक है, और करके दिया हुआ है, और करके दिया हुआ है 2-डाईमेथिल पेंटेन, और करके दिया हुआ है 2-डाईमेथिल, है ना, पेंटेन। ठीक, तो इस तरीके से दो कंपाउंड दिए हुए हैं, 2,2 डाईमेथिल पेंटेन एंड 2-डाईमेथिल पेंटेन। बताना है कि कौन सा आईपैक नेम सही है और कौन सा गलत है, है ना, और क्यों है, हम ये भी बता देंगे क्यों है। ठीक, तो आप ज़रा सॉल्व करें, है ना, सॉल्व करें, मैं तब तक सेकंड वाला लिख लूँ। सेकंड दे रहा है 2,4,7, ठीक, 7 ट्राई मेथिल ऑक्टेन, और करके दिया है 2,5,7, ठीक है ना, ट्राई मेथिल ऑक्टेन। ठीक, क्यों गलत है मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। ये चीज़ क्वेश्चन नंबर सर 3 मुझसे बोल रहा है 2,4-मेथिल पेंटेन, ठीक है, 2,4-मेथिल, ठीक है, 4-मेथिल पेंटेन। ठीक, 2,4-मेथिल पेंटेन, ठीक है ना, और सर गाना गा रहे थे ना, और करके 4-क्लोरो, तेज तेज गाइए, फिर गाता हूँ अभी, 4,2-मेथिल, 4,2-मेथिल पेंटेन। ठीक है, तो एनसीईआरटी की क्वेश्चंस करने ना, एनसीईआरटी बुक सॉल्व करनी है, तभी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहा हूँ। नहीं तो गलती क्या है क्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस कई सारे बनाए जा सकते हैं ना, तो अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सॉल्व करना है तो इस वजह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो 4,2-मेथिल पेंटेन, ठीक है, ये चीज़। चलिए सर आप कैमरे की तरफ भी एक बार देख लिया करो,
पता नहीं उधर देखते रहते हो। अब देखो ड्यूट थ्री आइन, ठीक है, मैं चाहता हूँ थ्री अच्छे से बनाऊँ, है ना, ब्यूट थ्री आइन, ठीक, ब्यूट थ्री आइन वन ऑल, या फिर ब्यूट फोर, या फिर ब्यूट, ठीक है, फोर ऑल, है ना, वन आइन, ठीक, ब्यूट फोर ऑल वन आइन, ब्यूट फोर ऑल वन आइन, है ना, एंड ब्यूट थ्री आइन वन ऑल, ठीक। अब मज़ा आ रहा होगा, तो मैं स्किप नहीं करता हूँ कोई भी पार्ट, मतलब कि कोई भी पार्ट मैं चाहता हूँ एडिट ना करूँ, जिससे कि आपको ऑफलाइन वाली फील आए। तो ये दिया हुआ चार क्वेश्चन मुझे बताना है ना, यहाँ पट्टी आपको दिख रही होगी अभी भी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक एक करके बात करते हैं डिटेल से। पहला सवाल आज की क्लास का, पहला सवाल मेरे लिए तो पाँचवा सवाल ना लगातार, 2.2 सर कैसे पकड़ेंगे, है ना, कैसे पकड़ेंगे बंदे को, आप जरा देखो। तो सबसे पहले तो आप देखो वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट तो पेंटेन है सर, पेंटेन है, इसका मतलब कि ना एक एल्केन दिया हुआ है, एक एल्केन दिया हुआ है ना, जिसकी सेकंड पोजीशन पे ना डाई मेथिल है, सेकंड वाले कार्बन पे डाई मेथिल है, ठीक, इस तरीके से। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझा दूँ क्या, पाँच, तो 2 3 4 5, है ना, और 1 2 सेकेंड वाले पे क्या है मिथाइल है, तो इस तरीके से हुआ है, मतलब ये कंपाउंड दिया हुआ है। तो अगर ये कंपाउंड है तो इसका पीसी नेम क्या होगा, देखो आप 1 2 3 4 5, अगर दूसरे वाले कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगा है तो पोजीशन को, है ना, सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए मुझे 2.2 डाई मेथिल लिखना पड़ता है। सो 2.2 डाई मेथिल पेंटेन करेक्ट है, 2.2 डाई मेथिल पेंटेन करेक्ट है, लेकिन एक ही पोजीशन पे इस, ये कंपाउंड का नेमिंग क्या है, ये मुझे क्या बता रहा है सर ना, 2-dimethyl pentane गलत है, डाईमेथिल हो गया, मतलब सेम पोजीशन पे दो मेथिल लगाया तो मुझे उस पोजीशन को बताने के लिए 2.2 करना पड़ता है, है ना, 2.2 करना पड़ता है, लेकिन इसने 2 पे ही दो मेथिल बता रहा है, तो ये नाम गलत है, ठीक, क्योंकि एक ही पोजीशन पर दो सेम ग्रुप लगा हुआ है तो मुझे उस ग्रुप को बताना पड़ता है, उस ग्रुप की लोकेंट बतानी पड़ती है, ठीक। तो इस वजह से मैं 2.2 लिखूँगा, तो 2.2 डाई वाला, डाईमेथिल वाला, है ना, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पोजीशन को ना अलग अलग करते हुए दिखाना है, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया कि एक पोजीशन पर अगर दो ग्रुप लगे हैं भले ही सेम है तो उनकी पोजीशन को मुझे अलग अलग करके दिखाने के लिए 2.2 लिखना पड़ता, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए, तो कहने का मतलब सर पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत है। दूसरा सवाल, ठीक, 2.4.7 ट्राईमेथिल ऑक्टेन, ट्राईमेथिल ऑक्टेन देखिए दोनों ही, मतलब सेम कंपाउंड लिखा है, ट्राईमेथिल ऑक्टेन, मतलब कि तीन अलग अलग पोजीशन पे ना मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ऑक्टेन है ना, मतलब 8 है, तो 2 3 4 5 6 7 8 8 है, एंड देखो, ठीक, तो एक किस पे आप देख लो, ये ना इस बात से प्रूफ हो जाता है कि आपको ना ये चीज़ देखनी पड़ेगी ना, ये तो जो प्रीफिक्स का सम है ना, ये सम मुझे लोवेस्ट सम फॉलो करना पड़ता है, लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना पड़ता है, लोवेस्ट सम रूल, तो लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना पड़ता है, है ना, पढ़ चुके हम। तो आप देखो 4 2 6 6 12 1 13, तो पहले वाले से आ जाएगा 13, पहले वाले से आ गया 13, और वाला जो है वहाँ देख लो, है ना, 5 2 7 7 14, है ना, 14, तो लोवेस्ट सम रूल फॉलो हो जाएगा, तो ये गलत हो गया ना। तो इसका मतलब सर ये है कि 2 4 7, है ना, मतलब कि दूसरे पे, चौथे पे, सातवें पे, है ना, 2 3 4 5 6 7, तो 2.4.7 राइट काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि 2.4.7 से मुझे लोवेस्ट सम रूल मिल रहा है, तो इस वजह से ना सर 2.4.7 ट्राईमेथिल ऑक्टेन करेक्ट नेमिंग है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ना लोवेस्ट सम रूल वायलेट हो जा रहा है, ठीक। देख लो आप 5 2 7 7 14 4 2 6 6 12 1 13, समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, थर्ड वाला स्ट्रक्चर नहीं पूछा है ना, मैं वैसे बता दे रहा हूँ क्या लिख रहा है, 2-chloro-4-methyl-pentane, मतलब ना सर पेंटेन दिया हुआ है, 2 3 4 5 पेंटेन दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर दूसरे पे क्लोरो है और दूसरे और चौथे पे, देख रहे हैं, दूसरे और चौथे पे ना दो ग्रुप लगा है, क्लोरो और मेथिल,
अब मुझे बताना है, मतलब कि दूसरे पे 1 2 दूसरे पे और किस पे, चौथे पे, चौथे पे, ठीक है। तो आप इधर से करोगे ना, तब भी दूसरे पे चौथे पे, आप इधर से काउंटिंग करो तब भी दूसरे पे चौथे पे, है ना। मतलब कि लोवेस्ट सम रूल फेल हो गया, बताया था ना, अगर लोवेस्ट सम रूल फेल हो जाता है तो हम किस पे जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे, देन वी मूव, है ना, अहेड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, है ना, तब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं प्रीफिक्स को लिखते वक्त, है ना। तो आप देखो क्लोरो मेथिल, ठीक, ये चीज़ है। तो पहले क्या आता है, सी आता है, फिर क्या आता है, एम आता है, ठीक। तो कहीं पे भी लगा ये, एक जगह मेथिल लगा, एक जगह सी एल लगा है, ठीक। तो दोनों तरफ से काउंटिंग सेम है, तो मैं कहाँ से करूँगा, जहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो जाएगा। तो पहले सी आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2-क्लोरो-4-मेथिल, 2-क्लोरो-4-मेथिल-पेंटेन, ये करेक्ट नेम हो जाएगा, ठीक। क्यों करेक्ट नेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, इसने 4-क्लोरो लिख दिया है, नहीं 2 पे क्लोरो होगा, है ना, क्योंकि सी एल वालों को फिर मैं लोवेस्ट रखूँगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने के लिए, ठीक है। एंड सी के बाद एम आता है, समझ गए। तो एक बार लास्ट बार मैं बोल दे रहा हूँ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए सी एल की पोजीशन को मुझे लोवेस्ट रखना पड़ेगा, तो लोवेस्ट यही तो है 2-क्लोरो-4-मेथिल, ठीक है, तो गलत हो गया। नेक्स्ट वाला बात करते हैं हम सर, है ना, आप देख लो स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है ना वैसे, ब्यूट 3-आइन-1-ऑल, ठीक, ब्यूट ऑल आइन, ऑल लगा है मतलब कि कहीं ना कहीं अल्कोहल है और 4 कार्बन है, तीसरे पे आइन है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो आपको पता है ना वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, पता है ना आपको रूल, रूल क्या है, चौथे वाले में ये रूल लग रहा है, मतलब कि मुझे पता है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स, पढ़ा है, फिर प्लस सेकेंडरी, सेकेंडरी सफिक्स, सर ये सब क्या बता रहे हैं ना, यही तो रूल था, वर्ड रूट से पहले क्या था, प्रीफिक्स था, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो यही रूल था ना, तो मुझे इस रूल को फॉलो करते हुए चलना है सर, है ना। इसका मतलब ये था सर कि वर्ड रूट के बाद सफिक्स आना चाहिए, तो प्राइमरी सफिक्स है इन, इन, आइन, फिर सेकेंडरी सफिक्स ऑल, मतलब ये सही है, ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि वर्ड रूट के बाद डायरेक्ट सेकेंडरी सफिक्स आ गया ऑल, फिर प्राइमरी सफिक्स है आइन, ठीक है। तो इस वजह से पहला वाला सही होगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में ना रूल फॉलो हो रहा है, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आना चाहिए जो कि आइन है, एन इन आइन, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ऑल, तो ये हो गया, ठीक। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मतलब सभी में ना दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, क्या रीजन था मैं बता दिया, ये करेक्ट आई पैक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझ गए इतनी बात है ना। एक बात और ख़ास बात, क्या ख़ास बात है, अगर वाई भी हो ना सेकेंडरी सफिक्स, तब भी कहाँ गया, नहीं कुछ नहीं, चलो ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया इस तरीके से नेमिंग, देखिए जरा क्वेश्चन ये था ना, 3-आइन-1-ऑल, ठीक है, मैं हाँ यही मैं बता रहा था, ये ई हट जाता है ना, आपको पता ना अल्कोहल का अगर सेकेंडरी सफिक्स ओ होता है तो प्राइमरी सफिक्स से क्या होता है, ई हट जाता है, तो ये ई नहीं होगा, यही मैं बता रहा था सर, क्या बोल रहे हो, अगर सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर वॉवेल है और प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट का ई है, ये ई हट जाता है ना, इस तरीके से ये, तो बात समझ में आती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, पहले अभी तक नोट कर ले, क्या रीजन था मैं समझा दिया, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को, नए लोगों के, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आप रिवाइज करके आओ, क्योंकि सारी बातें फिर से दोहराऊंगा नहीं ना, वही वाली। चलो इतना लिख लिया, नोट करो पहले, हाँ जी नोट हो गया, तो शायद आपको वहाँ नहीं दिख रहा था क्या, अब दिख रहा होगा वहाँ पे, तो आप एक बार देख लें, मैं इसको फिर रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो बिना पानी वानी पिए लगातार 2 घंटे से रिकॉर्डिंग, ठीक, चलिए तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट।
पता नहीं कौन सा गाना गाने सर, सर लगता है 90s के ज़माने के हैं, तो मुझे 90s के गाने काफ़ी अच्छे लगते हैं ना, कुमार सानू वाले गाने, तो वही गाने गुनगुनाता रहता हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपना है, अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पर पट्टी के फॉर्म में। पट्टी, पट्टी पता है जो गांव बेचने आते हैं पट्टी। अगला क्वेश्चन है 6, ड्रॉ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ। अच्छा, एक क्लास में मेरी मैम थी कॉलेज में, वो कहती कि भाई शकल मत देखो, क्वेश्चन देखो, तो मेरी शकल मत देखें, यहाँ क्वेश्चन पढ़े। ड्रॉ द फॉर्मूलेज फॉर द 5 मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस सीरीज बिगिनिंग विद द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक, तो कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड से जो होमोलोगस सीरीज बनने वाली है उसकी ईच फर्स्ट फाइव मेंबर्स, मतलब मुझे पहले 5 मेंबर्स लिखने हैं इस कंपाउंड से। ठीक, तो यहाँ पर आ गया होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट। मुझे पता है ना होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव या फिर सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में अगर CH2 का डिफरेंस होता है तो हम क्या बोलते थे ना कि वहाँ पर सर होमोलोगस सीरीज है। हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन में देखा था होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ना FG लगाकर भी मुझसे होमोलोगस सीरीज वो पूछवा सकता है, तो वही NCERT का सवाल है। तो NCERT का सवाल है तो हम देख लेते हैं, देखें तो फिर से क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जरा आप देखो, 12.6 है बुक के अकॉर्डिंग। तो मुझे होमोलोगस सीरीज लिखनी है, क्या लिखनी है सर, होमोलोगस ठीक, होमोलोगस सीरीज। मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ है ना, और थोड़ा सा धीरे पढ़ा भी रहा हूँ, तेज़ी से पढ़ाने का मतलब भी नहीं है ना, चिल्लाते रहो फालतू का। पहला कंपाउंड देखो है HCOOH फॉर्मिक एसिड, क्या सेकेंड कंपाउंड है CH3COCH3 एसीटोन दिया हुआ है, CH3COCH3 और कंडेंस्ड वाला फार्मूला लिखा हुआ है। तीसरा है इथीन दिया है, इथीन CH2, जानबूझ कैसे लिखा है, CH डबल बॉन्ड CH2, क्यों CH डबल बॉन्ड CH2 इथीन दिया हुआ है। ठीक, इससे ना जो फर्स्ट 5 होमोलॉग बनेंगे, फर्स्ट 5 मेंबर्स मुझे लिखने हैं, क्या है सर जरा बताओ ये क्या है, ये क्या कलाकारी है ना, तो मुझे फर्स्ट 5 मेंबर लिखने हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक, तो फर्स्ट 5 मेंबर्स लिखने हैं, कैसे लिखते हैं सर, मुझे पता है अगर कोई होमोलोगस सीरीज होती है ना उसमें दो कॉन्जिगेटिव कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। मान लेते हैं अगर कोई कंपाउंड ए है, ये धोखा ये गया है ना, ये घटिया कंपनी का मार्कर चलता ही नहीं है, क्या होता सर होमोलोगस सीरीज के लिए, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड था ए, कोई कंपाउंड था बी, तो ए एंड बी के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, कितना सर, अगर इस CH2 का डिफरेंस होता है, अगर CH2 का डिफरेंस होता है तो हम क्या बोलते हैं, तब वहाँ पे ना होमोलोगस सीरीज बनती है, तब वहाँ पर होमोलोगस सीरीज बनती है। तो ज़रा आप देखो, तो पहला कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो होमोलोगस सीरीज के लिए मुझे एक सी बढ़ाना पड़ेगा CH2 के डिफरेंस के लिए। ठीक, तो सर कैसे लिखेंगे, आप देखो सबसे पहले ना आप देख लो कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो COOH क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब इससे क्या लगा है, एक H लगा है, ठीक है H लगा है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल फार्मूला होता है वो RCOOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो मैं एक अगर R लगा दूँ, R का मतलब एक अल्काइल ग्रुप लगा दूँ तो उसका एक होमोलॉग बन जाएगा। ठीक, कैसे बनेगा आप देखो ज़रा, एच की जगह आप लिख दो CH3COOH। ठीक, अब आप चेक कर सकते हो कि क्या ये होमोलॉग है या नहीं, कैसे चेक करोगे मैं बताता हूँ। चेक करने के लिए ना आपको पहले मॉलिकुलर फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो आप देखो मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है सर, वो कैसे लिखते हैं, एक कार्बन है ना CH2O2, ये तो लिखा है, देखो
CH2O2। मैंने एक होमोलॉग बनाया है, उसको भी आप लिख लो। क्या लिखा है? ये लिखा है C2H4O2, है ना सर? कैसे लिखे हो? C2H4O2। तो होमोलॉग होने के लिए इनके बीच में ना CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप देख लो, दो में से एक गया कार्बन, बचा एक। चार में से दो हाइड्रोजन गया, बचा दो। दो और दो ऑक्सीजन कट गया, कैंसिल। तो सर यहाँ पे CH2 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब कि फॉर्मिक एसिड का ये फर्स्ट सेकंड होमोलॉग है। एक तो खुद यही है, है ना? तो मुझे फर्स्ट फाइव लिखना है, तो एक दिया है तो वन ये हो गया, टू दूसरा होमोलॉग ये, है ना? तीसरे होमोलॉग के लिए क्या करते हैं हम, CH2 का डिफरेंस है ना, तो आप क्या करो CH2 ऐड कर दो। तो R को वैसे ही रहने दें हम, तो एक CH2 ऐड कर दें, तो ये बन गया नेक्स्ट होमोलॉग। ठीक, चौथा, पांच लिखने हैं ना, एक CH2 और ऐड कर दो। तो सर मैं R को रहने दूंगा, एक CH2 और ऐड कर दूंगा, तो ये बन गया नेक्स्ट होमोलॉग। देख रहा, आर वैसे ही था, CH2 एक था, एक और ऐड कर दिया, दो। सर पांचवा, आर को सर रहने दें, एक और CH2 ऐड कर दें, तो सर ये बन जाएगा नेक्स्ट होमोलॉग। ठीक, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया फिफ्थ होमोलॉग। ठीक है ना, ये चीज़। अब आप चेक कर सकते हो, तो CH2 का डिफरेंस आएगा, मतलब पहले R, R के बाद एक CH2, दो CH2, यहाँ पे तीन CH2। ठीक, तो ये बन गया फर्स्ट फाइव होमोलॉग। ऐसे ही सब करना है। चलो, ए वाला था ये, ये कौन सा था? ए वाला था, कहाँ जा रहा हूँ मैं, हाँ। तो पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, ये पहला, इसको ए कर लेता हूँ। ए बी सी, ठीक, तो ए वाला क्वेश्चन ये हो गया। बी वाला क्वेश्चन देखो आप, CH3CO CH3 है ना, एक कीटोन दिया है, एसीटोन होता है इसका नाम, CH3CO CH3। सर R के फॉर्म में दिया RCOR, तो इसका नेक्स्ट होमोलॉग के लिए एक C को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एक CH2 आप ऐड कर लो, इधर कर लो या फिर उधर कर लो, है ना? मतलब CH3, एक CH2 मैंने ऐड कर लिया, और सब वैसे ही लिखे रहने दो, समझ रहे हो? इस कार्बन और इस CH3 के बीच में एक CH2 ऐड कर लिया, और सब वैसे ही रख रहे, लिख दो। या फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में CH2 ऐड कर देते हैं, ठीक, तब भी ये वही होता है। जरा आप देख लो, क्या ये है, क्या होमोलॉग है, यानी चेक करवा देता हूँ। देखो 1 2 3, C3, सब मैं नहीं करवा रहा हूँ, एक आपको बताने के लिए, C3H6O लिखा है, C3H6O। ठीक, नेक्स्ट जो बना है उसमें क्या है, C4H, देख लो आप, 3 2 5 2 7, है ना, 7O। इनके बीच देखो आप, चार में से तीन गया एक, सात में से छः गया, 3 3 6 2 8 होगा ना, हाँ 8, 8 में 6 गया, 2, ऑक्सीजन कट गया। देखो अब CH2 का डिफरेंस आ गया, मतलब कि ये नेक्स्ट होमोलॉग है, समझते हैं? ठीक, तो सर ये बात साफ हो जाती है, अगर मुझे एक होमोलॉग बनाना है ना, तो आप उसमें क्या करो, CH2 एक ऐड करवा दो, तो उसका होमोलॉग बन जाएगा, है ना? तो अब मुझे समझ में आ गया। तो 1 2, तीसरा होमोलॉग, पहला होमोलॉग, दूसरा होमोलॉग, तीसरे के लिए एक R और ऐड कर देते हैं हम, CH3 CH2 CH2, मतलब एक CH2 और ऐड कर दो आप। ठीक, ये हो गया तीसरा। चौथा होमोलॉग, तो चौथे के लिए क्या करेंगे सर, एक और ऐड कर देते हैं। तो अभी एक था, दो, तीन, यानी कि ना 1 2 3, क्यों ये चीज़, समझ गया? तो दो था, अब की बार तीन। सर पांचवा होमोलॉग कैसे बनाऊंगे, पांचवे के लिए एक और ऐड कर दो आप, तो सर 1 2 3 4 CO CH3। क्या सभी होमोलॉग है? हाँ बिल्कुल होमोलॉग है। तो इसका नेक्स्ट होमोलॉग में एक मैंने CH2 ऐड किया, नेक्स्ट में दो, नेक्स्ट में तीन, फिर चार ना, 1 2 3 4, तो ये हो गया नेक्स्ट फाइव होमोलॉग। ठीक है, ऐसे करके एक और दिया हुआ है, ठीक है, सी वाला कंपाउंड, बेसिकली वो इथीन लिखा हुआ है ना, CH2CH2 लिखा हुआ है, तो जानबूझ के वो H को बता रहा है ना, वो आपको आइडिया दे रहा है कि आप वहाँ पे R यूज करो,
सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इथीन दिया हुआ है। तो इसका नेक्स्ट होमोलॉग के लिए मैं बोला एच के जगह पहले आप आर रख के चेक कर लो, आर मतलब सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक चेक करवा दूँ। देखो सी टू एच फोर सी टू एच फोर, ठीक इसमें देख लो आप वन टू थ्री सी थ्री एच तीन दो पाँच एक छः है ना, देख लो आप सी एच टू का डिफरेंस तीन में दो गया एक छः में चार गया बचा दो है कि नहीं होमोलॉग है ना ये चीज़। अब तो सर मैं बना देता हूँ कैसे बनाते हैं हम लोग, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के ना एक जोड़ दो, ए तीन फंक्शनल ग्रुप है तो एक सी एच टू जोड़ देंगे हम ऐड कर लो, तो सी एच थ्री एक सी एच टू जोड़ा और वो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू वैसे रह जाएगा थर्ड होमोलॉग। क्यों देखो डबल बॉन्ड वैसे ही था ना, सी एच थ्री ये है बीच में एक सी एच टू जोड़ दो सी एच टू जोड़ दो तभी तो होमोलॉग बनेगा। अब इसमें इसको आप कर लो एम एफ निकाल के है ना मोलिकुलर फॉर्मूले से तो सी एच टू का डिफरेंस ही आएगा। इसमें क्या करेंगे सर दो जोड़ दोगे क्या आप, हाँ दो 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 जोड़ देंगे तो एक दो ठीक ऐसे बोर्ड में आ रहा है क्या देख लूँगा बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सी एच थ्री दो सी एच टू दो सी एच टू फिर पाँचवा तीन सी एच टू है ना तो वन टू थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू चौथा मैं यहाँ लिख देता हूँ शायद ना दिख रहा हो तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ठीक है शायद ये यहाँ पे ना दिख रहा हो सर दिख रहा था पता है ना दिख रहा हूँ ठीक है ये चीज़ समझ गए। तो पहले एक सी एच टू जोड़ा तीसरे के लिए चौथे के लिए दो जोड़ा पाँचवें के लिए तीन जोड़ा वन टू थ्री ऐसे। तो सर ये हो गया अपना नेक्स्ट फाइव होमोलॉग तो वन टू थ्री फोर फाइव समझ गए फाइव नंबर लिखा है ना एच फाइव नहीं है। तो अपना हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स जहाँ पर मुझे होमोलॉग देखने थे तो ऐसे देखा जाता है। पहले आप नोट कर ले फिर बात करते हैं हम और क्वेश्चंस के ठीक। तो यहाँ तक सही है ना, तो इस तरीके से हम लोग होमोलॉग लिखते हैं ठीक। चलिए नेक्स्ट अवर क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं हम लोग। अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस शायद इस टाइप के क्वेश्चंस हमने क्लास में नहीं किए थे, इसको छोड़ के ना हम सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ना क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सर कब किया था डिस्कस, स्टार्टिंग में आप याद करो जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो आप ज़रा पन्ने वगैरह पलटे नोट्स के तो आपको याद होगा हमने ना काफ़ी डिफरेंट टाइप के बॉन्ड लाइन नोटेशन कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना ग्राफिक फार्मूला ये सब क्या होता है ना सॉलिड वेज डैश थ्री डी रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड लाइन नोटेशन सब कुछ पढ़ा था। चलिए हाँ जी तो हमेशा की तरह आपको पट्टी यहाँ पे दिखेगी, कैसी पट्टी सर क्वेश्चन की पट्टी, क्वेश्चन नंबर सात है क्वेश्चन नंबर सेवन क्यों सेवन मुझसे कह रहा है गिव कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इफ एनी फॉर क्या क्या। तो मुझे कंपाउंड्स में क्या बताना है, इन कंपाउंड्स का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना है और इसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कोई अगर एफ जी है तो वो भी बताना है ठीक बता देंगे क्या परेशानी है ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सात अपना क्वेश्चन नंबर सेवन एन सी आर टी 12.7 ठीक है ना। क्वेश्चन में लिख देता हूँ 2.2.4 2.2.4 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2.4 ट्राई मेथिल हाइफन है ट्राई मेथिल ठीक पेंटेन और हमने यह वाला भी कंपाउंड कर रखा है अपनी क्लासेस में कर रखा है ना आपको याद होगा। तो सेकंड 2 हाइड्रोक्सी ये लिखा है 2 हाइड्रोक्सी 1.2.3 1.2.3 ठीक है प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोपेन ठीक है प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक
प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, ये चीज़ प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझसे कह रहा है हेक्सेन, हेक्सेन डाई अल, हेक्सेन डाई अल, हेक्सेन डाई अल मतलब एक एल्डिहाइड वाला कंपाउंड है, प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये चीज़ देखो सर। ठीक, क्या है सर फंडा, क्या है तो मुझसे बोला है आप, क्या क्या बताओ, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, एंड बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये मुझे बताना है, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी कह रहा है। लेकिन हम तो हमेशा एक्स्ट्रा करते हैं, तो मैं आपको ना स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बताऊंगा, STRUCTU, तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला पहले देखेंगे। अच्छा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, लेकिन आपको समझाने के पर्पज़ से पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दूँगा, फिर आपको ये दोनों बता दूँगा, जिससे कि आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। अब देखो, IUPAC नेम दिया हो तो स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक, कैसे लिखते हैं, पहले आपने वर्ड रूट पकड़ो, पेंटेन मतलब क्या है सर, पांच कार्बन है, पांच कार्बन है जिसमें दूसरे पे 2,2,4 मतलब तीन डिफरेंट पोजीशंस पे तीन मेथिल ग्रुप लगा है, ठीक है, तो आप देख लो पेंटेन मतलब ये 1, 2 पे दो लगा है, 3, 4 पे एक लगा है, 5, ठीक है, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, यहाँ पे 2 पे मिथाइल, 3, 4 पे मिथाइल, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2,2,4 ट्राई मिथिन पेंटिन, ये लिखा है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या लिखा है सर, स्ट्रक्चरल फार्मूला, आगे देखो, 2-hydroxy-1,2,3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जरा आप समझना, क्या समझोगे, आप देखना जरा, प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब कि यहाँ पर ना कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि CWH वाला ग्रुप है, ठीक, हमने पढ़ा था ना, अगर ओपन चेन वाला कंपाउंड होता है तो CWH का सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड होता है, क्या होता है, ओइक एसिड, मतलब कि अगर ओपन चेन वाला कंपाउंड है तो CWH का सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड हुआ करता था, ओइक एसिड कब होता था, जब CWH यानी कि CWH ग्रुप के कार्बन को हम इंक्लूड करके काउंटिंग करते हैं तब वहाँ पर ओइक एसिड होता था। हमने स्पेशल नेमिंग पढ़ी थी जो कि साइक्लिक वाले कंपाउंड में फॉलो होता था, जब हम CWH के सी वाले कार्बन को हम इंक्लूड करके काउंटिंग नहीं कर पा रहे थे, ऐसा कब होता था, साइक्लिक वाले कंपाउंड में। लेकिन यहाँ पर एक ओपन चेन वाला कंपाउंड देकर मुझसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखवा दिया है, इसका मतलब कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैं काउंटिंग करते वक्त CWH के सी वाले कार्बन को काउंट नहीं किया हूँ। पता नहीं क्या क्या बोलने सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बता चुका हूँ पहले, है ना, आप लोग पता नहीं क्यों इतना परेशान करते हो। देखो CWH जो नया आदमी है ना उसको तकलीफ़ होगा, CWH जो ग्रुप है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो मैं इस कार्बन को इंक्लूड करके काउंटिंग करता हूँ, तब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है, बताया था। अगर कोई साइक्लिक वाला कंपाउंड है, अगर कोई साइक्लिक वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो साइक्लिक वाले कंपाउंड में मजबूरी है कि मुझे साइकिल में काउंट करना पड़ता है ना, इस कार्बन को साइकिल को मिला के कोई काउंटिंग नहीं होती है, तो मुझे साइकिल में काउंटिंग करना पड़ता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इस वक्त जो सेकेंडरी सफिक्स होता था वो था कार्बोक्सिलिक एसिड, इस वक्त क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, वही लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना सर। ओपन चेन कंपाउंड कैसे मालूम चल गया, देखो ना प्रोपेन लिखा है, अगर साइक्लिक होता तो एलिसाइक्लिक या फिर बेंजीन यूज होता, साइक्लिक मतलब या तो एलिसाइक्लिक होता तो बेंजीन वाला होता, तो भी कहीं नहीं लिखा है, प्रोपेन एन लिख दिया, यानी कि ये ओपन चेन वाला कंपाउंड है और वहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक लिख रहा है, ठीक, इट मीन्स इस वाले कार्बन को वो काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, है ना, इतनी देर से क्या मतलब, अब बताता हूँ, आप देखो दूसरे पे हाइड्रोक्सी है ना, और ट्राई कार्बोक्सिलिक है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा तीन कार्बन है, देखो आप, ठीक है, तो फिर दरअसल पावर कट हो गई थी, है ना, हाँ हम ये देख रहे थे
कि इस तरीके से हमारे पास क्या था, प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, चलिए ये आप लोग बोल लेते शायद। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एक ओपन चेन वाला कंपाउंड है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है ना, ये कार्बन इंक्लूड नहीं है। ठीक, एंड 1, 2, 3 प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि पहले वाले कार्बन पे क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पर COOH, ठीक है, इस तरीके से, एंड दिस इज CH2। सेकेंड वाले कार्बन पे आप ज़रा देखो, 2-hydroxy, यानी कि सेकेंड वाले कार्बन पे क्या है, OH है। और दूसरे पर भी ना देखिए, फर्स्ट सेकेंड पे, सेकेंड पे कार्बोक्सिलिक यानी दूसरे वाले पर कार्बोक्सिलिक भी है। ठीक, दूसरा, एंड दिस इज थर्ड, तीसरे पर COOH, है ना। क्या सर कह रहे हैं आप, मैं कहना ये चाहता हूँ, देखो आप 1, 2, 3 इसकी अकॉर्डिंग जब मैं इस कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को इंक्लूड कर लूँगा, अभी नहीं करना है, तो 1, 2, 3 तो आप देख लो, है ना। 2 पे हाइड्रोक्सी, एच पहले आता है, 2 पे हाइड्रोक्सी। ठीक, क्या मैं बोल रहा हूँ, नहीं एच नहीं, हाँ COOH ग्रुप हमारे पास कैसा हो जाएगा, अच्छा है ना, सीनियर ग्रुप, तो OH क्या चला गया प्रीफिक्स में, तो 2 पे हाइड्रोक्सी पहले प्रीफिक्स, फिर 1, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, है ना, क्योंकि पहले वाले कार्बन पर दूसरे पे एंड तीसरे पे थर्ड वाले कार्बन से COOH ग्रुप लगाया, तभी प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मैं पहले आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बता रहा हूँ, सर एक बार फिर बताइए। हाँ, फिर से बताता हूँ मैं, देखो आप, प्रोपेन इसका मतलब कि पैरेंट चेन 3 कार्बन की है, 1, 2, 3। ठीक, दूसरे पर हाइड्रोक्सी यानी कि सेकेंड वाले कार्बन पे OH, 1, 2, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर COOH ग्रुप लगा हुआ है, सही है। चलो नेक्स्ट, हेक्सेन डाइल, हेक्सेन डाइल का मतलब सर क्या है, हेक्सेन है, मतलब कि 6 कार्बन है और वहाँ से CHO, तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 देख लो, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सेन डाइल, 1.6 डाइल, तो 1.6 यहाँ से भी, 1.6 यहाँ से भी, तो 1.6 को हम हटा सकते हैं, तो इसका नाम हो गया हेक्सेन डाइल। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही है। चलिए, तो मैं आपको समझाने के लिए पहले क्या बता दिया, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये क्वेश्चन नहीं था, मतलब ये आंसर नहीं था, जो था वो बताइए, अब जो था वो मैं बता रहा हूँ। तो जरा आप देखो क्या कहना चाहते हैं, तो मैं कहना, हाँ जरा हम देख लें, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आप देखो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको पता है कि कोई भी बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, तो आप देखो इस वाले कार्बन से CH3 3 times, तो हमने पढ़ा था कि CH3 का होल थ्राइस, होल थ्राइस ना, इस कार्बन से ये वाला कार्बन, फिर नेक्स्ट CH2, तो नेक्स्ट CH2 ऐसे ही लिख देते हैं, फिर नेक्स्ट CH, नेक्स्ट CH, ठीक, एंड इस कार्बन से CH3 2 times, तो CH3 का होल ट्वाइस, तो ये लिख दिए हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, सेकंड कंडेंस्ड लिखो इसका, कंडेंस्ड लिखने के लिए ना सर मैं कोई भी बॉन्ड को नहीं शो करता हूँ, CC हो या फिर CH हो, तो COOH इधर देखो, COOH, CH2, CH2, ठीक है, चिपका के, फिर C से OH, फिर C से OH, तो जो FG उसको ब्रैकेट में, फिर COOH, फिर COOH, तो COOH, ठीक है, देखिए इस कार्बन से OH भी है, COOH भी है, तो ब्रैकेट में OH, COOH, फिर नेक्स्ट CH2, नेक्स्ट क्या है CH2, फिर क्या COOH, तो ये COOH कहाँ पे है, टर्मिनल पे है। ठीक है, तो ऐसे हो गया, तो दिस इज़ अवर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। देख लो आप, CHO है ये, CHO, देखो 1, 2, 3, 4 CH2 4 times, तो हम इसको लिख सकते हैं CH2 4 times देन CHO, क्यों, देखो CHO 1, 2, 3, 4 CH2 4 times, तो ऐसे लिख देते हैं फिर CHO, तो ये हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। क्या होता है सर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो हम पहले पुराने कभी ज़िंदगी में स्टार्टिंग के क्लासों में सीखे थे, इसका मतलब सिंपल से ही था, कोई भी बॉन्ड मत बताओ और लगातार लिख दे,
और कितने कार्बन पे कितने ग्रुप्स लगे हुए हैं साथ में लिखे हैं आप। जैसे मिथाइल 3 बार लगाया तो 3 बार ब्रैकेट के बाहर जो कार्बन है उस कार्बन से लगा होता है ना, तो ये सब हम पहले सीख चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन की। बॉन्ड लाइन पूछा था है ना, मतलब ये आंसर एक्चुअल फिर ये आंसर एक्चुअल है। बॉन्ड लाइन में तो आपको पता है कि हमें बॉन्ड यूज़ करना पड़ता है, तो 2 पैरेंट चेन कितना है 1 2 3 4 5 का, तो 2 3 4 5 ठीक है। सेकेंड वाले पे 2 मेथिल, तो सेकेंड वाले पे 2 मेथिल, इधर से 1 मेथिल, तो 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, यही वाला सही है। ऐसे सेकेंड दो का देख लो, हाँ जी ये चीज़ देखो आप, पहले तो 1 2 3, सो 1 1 2 3 ठीक है। अब इस वाले कार्बन से COOH देखो जनाब, ठीक है COOH क्यों। नेक्स्ट देखो इस वाले कार्बन पे OH, फिर इससे COOH, बॉन्ड लाइन लिख रहा हूँ मैं है ना, 1 2 3 ठीक है। बॉन्ड लाइन कैसे लिखते हैं सर बता रहा हूँ, ठीक है आप देखो, देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 ठीक है। इस थर्ड वाले कार्बन से COOH, तो ये हो गया सी, नहीं दिखाना है बॉन्ड लाइन में OOH ठीक। फर्स्ट वाले कार्बन से, फर्स्ट वाले कार्बन से COOH, तो COOH है ना। मुझे C और H के बॉन्ड को नहीं शो करना होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, पढ़ चुके हैं। सेकेंड वाले कार्बन पे OH और COOH, सेकेंड वाले से OH एंड COOH दिख रहा है COOH। नेक्स्ट CHO है, देखो 6 कार्बन है टोटल, देखो 2 3 4 5 6 ठीक है। इस कार्बन से क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड इस कार्बन से क्या है CHO, तो दिस इज CHO एंड यहाँ से भी दिस इज CHO, समझ गए। देखिए आप CHO ठीक है एंड 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 CH2, तो क्या हेक्सेन डाइएल। तो ये हमारा आंसर हो गया है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन ये हो गया एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला अपना, दिस इज अवर कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, समझ में आती है बात। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन हम और करते हैं, फिर जितना अभी तक पढ़ा है ना उस पर क्वेश्चन ख़त्म। आइसोमेरिज्म का एक ही क्वेश्चन असिस्टेंस वाला आपको दिख रहा होगा NCERT में है ना, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो, वो तो हम क्लास में कर चुके हैं। फिर हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की, तब और भी क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं इफेक्ट पे हम उसको और भी अच्छे से करेंगे। पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 का क्या चेक करें, नोट कर ले ठीक है ना। तो 7 हो गया है ना, अच्छा इसमें एक चीज़ और था लिखा नहीं मैं है ना, मुझे बताना था कि अगर हाँ जी मुझे फंक्शनल ग्रुप अगर है तो बताना था है ना, तो पहले वाले में नहीं है, फर्स्ट वाले में नो FG, नो फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है। सेकंड वाले में है, एक तो COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिल, इस केस में इसका नाम है कार्बोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन लगा देंगे क्योंकि प्रीफिक्स में ना, तो एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एक्चुअल नेमिंग, तो हम ये बता देंगे। इसमें दिख रहा है आपको कौन कौन से, मैं हाईलाइट कर दूँ क्या, ये देखो आप COOH रिपीट हो रहा है, तो दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक वाले जिसे हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोल लें, दूसरा OH वाले जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल लें ठीक। इसमें है सर CHO यानी कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप एंड इसमें अपना हो गया, इसमें किसमें थर्ड वाले में एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO, तो इसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड ठीक है, दिख रहा होगा आपको कैमरे में ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप
सही है। तो पहले वाले में कोई भी एफजी नहीं था, सेकंड वाले में एक तो कार्बोक्सिल है, दूसरा हाइड्रोक्सिल है एंड यहाँ पे एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। ठीक, तो प्रॉपर नेमिंग हम ये लिख देते हैं। चलिए, और ओएच जिस कंपाउंड के साथ लगा हो, केवल अगर ओएच तो अल्कोहल होता है ओपन चेन के साथ, है ना। अगर सी डब्ल्यू एच ग्रुप लगा होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है अगर ओपन चेन है तो, हालांकि बेंजीन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा बातें बाद में करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं ना। 8 कोई डाउट वगैरह होगा तो बोलिएगा आप, है ना, तो हम लोग बात कर लेंगे, हालांकि कोई डाउट नहीं होता है अब। क्वेश्चन नंबर 8, तो एक खास एक रास की बात बताता हूँ, अगर आपको याद हो तो। पहले भी हमने रास की बात की थी, इससे पहले भी आंधी आई खूब तगड़ी वाली, आंधी बारिश उस चक्कर में पावर चली गई थी। अच्छा, एक्चुअली मैंने बिजली को पावर बोलते हैं इंग्लिश में ना, अपनी आम भाषा जो होती है ना, लेमैन लैंग्वेज, लाइट। लाइट गलत है ना, एज एन इंजीनियर हमें पावर बोलना है। पावर मतलब बिजली, बिजली की इंग्लिश पावर होती है ना, वर्ड मीनिंग देखा जाए अंग्रेजी की, तो लाइट बोलना गलत है ना। लाइट मतलब प्रकाश होता है, उजाला होता है, हम बोलते हैं लाइट चलेगा ना, लाइट गलत है। बचपन से सुनते हैं ना लाइट लाइट, तो लाइट बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग है पावर, एक्चुअल वर्ड है पावर। पावर का मतलब शक्ति नहीं, पावर मतलब बिजली, जैसे पावर मतलब वो भी होता है ना, वर्ड भी होता है, तो एक्चुअल पावर वर्ड है, तो हम बोलते हैं पावर हैज गॉन। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 8 अपना है लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अपना आराम से क्वेश्चन कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। तो एनसीईआरटी वाला काफ़ी गंदा खेल खेलता है, जैसा कि आपको पता, हमेशा ना हमेशा वो 12th क्लास से लिंक कराते हुए चलेगा। तो मुझे बताना है कि दिए हुए कंपाउंड्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, हिंदी बोलो तो क्रियात्मक समूह, अचानक से हिंदी फूट रही है, क्रियात्मक समूह बताना है मुझे, यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं वो बताना है। फिर से मैं जानबूझ कर ना सर, क्या करेंगे जानबूझ कर, जैसा दिया हो वैसा नहीं लिखूंगा, दिया तो पता नहीं कैसे कैसे है, ओ एम ई ओ एच फर्स्ट वाला, सेकंड वाला दिया, जो लोग पढ़े हो गए ना, आइसोमेरिज्म की क्यों बातें कर रहे हैं, एनसीईआरटी पर सी नहीं था, मैंने सी दिखा दिया समझाने के लिए, मतलब समझाने के पर्पज़ से मैं इसको अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, आम बोलचाल वाली भाषा। ठीक, थर्ड वाला, ठीक है ना, तो अपना ये बेंजीन रिंग, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच, एक्चुअल में ऐसा बुक में नहीं है, एक्चुअल में ऐसा बुक में नहीं है, मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है समझाने के पर्पज़ से। तीन कंपाउंड है ना, मुझे पूछ रहा है क्या बताओ इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं हेल्प लूँगा आइसोमेरिज्म से, नहीं आइसोमेरिज्म से हेल्प नहीं लूँगा, वहाँ मैंने बताया था एमीन वगैरह के बारे में, अगर आपको पता हो, इससे पहले हम पढ़े थे ना, पहले आप इसमें देख लो। बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट कोई डायरेक्ट अगर सी एच ओ लगा होता है ना, तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, मतलब इसमें जो पहला ग्रुप है वह सी एच ओ, जिसका नाम है एल्डिहाइड, क्या नाम है, एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे इसमें एक और है, एक देखो ओ एम ई मतलब आर ओ आर, ईथर वाला ग्रुप लगा, ऐसे ओ एम ई, एम ई मतलब मेथिल, ये कुछ ऐसा लिखा ना, आर आर भी छोड़ो, ओ के बाद ऐसा, ये कंपाउंड होता है ईथर, क्या होता है सर, ईथर होता है ये, ठीक है ना, ओ वाला। ये देखो ओ एच, अगर ओ एच डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा होता है तो ये फिनॉल वाला कंपाउंड होता है। ठीक है, यहाँ पर ओ एच अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगाओ
तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनोलिक, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अगर OH डायरेक्ट बेंजीन से लगा होता तो ये फिनोल के कंपाउंड जो हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें बोल दिया OH यानी फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यही OH अगर ओपन चेन से लगा होता तो मैं उसे अल्कोहल बोलता है ना, अल्कोहल, ठीक। इसका मतलब पहले वाले में ना सर तीन ग्रुप थे जो कि फंक्शनल थे। अब पहले देखो, इसमें देखो NH2 हम पढ़ चुके हैं, RNH2 क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, याद है आपको, कहाँ बताया था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के दौरान। अगर ऐसे लिखा है RNH2 दिस इज अवर प्राइमरी एमीन, याद है, R2NH सेकेंडरी एमीन, बच्चे चिल्ला रहे हैं आज, R3N टर्सरी एमीन, याद है कुछ। और इन सभी में क्या था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का रिलेशन था। तो देखा RNH2 मतलब NH2 इसका मतलब यहाँ पे ग्रुप है प्राइमरी एमीन वाला, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, सेकेंड, सेकेंड में पहला ग्रुप है जो कि है NH2, NH2 मतलब प्राइमरी एमीन है ना, ये एक एरोमेटिक एमीन है, कैसा है, एरोमेटिक एमीन। अगर NH2 बेंजीन रिंग से लगा है तो एरोमेटिक एमीन होगा जो कि हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे, ठीक। दूसरा ग्रुप देखो आप, ये होता है RCOOR, RCOOR मतलब ऐसा वाला ग्रुप, इसे हम बोलते हैं एस्टर, दिस इज अवर एस्टर ग्रुप। एक और देखो आप, ये N दिख रहा है, ये N, ये चीज पूरा, ये मतलब केवल N, केवल N का मतलब क्या है सर, टर्सरी एमीन। तो यहाँ पे एक N वाला ग्रुप भी है जो कि है टर्सरी एमीन, समझ गए। तो इसका मतलब कि सर सेकंड वाले कंपाउंड में ना एक तो प्राइमरी एमीन है, एक तो एस्टर है, कैसे देखा आपने, देख लेना COO एस्टर, दूसरा है टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन, ठीक। तो ये वाला पार्ट एलिफेटिक एमीन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड कहीं देख लेते हैं, देखिए। हालांकि NO2 जो होता है ना एज ए प्रीफिक्स काम करता है ओपन चेन में, लेकिन अभी ये क्या है, बेंजीन रिंग के साइड चेन के साथ लगा है, तो मैं इसे बोल रहा हूँ NO2 जो है वो नाइट्रो ग्रुप है, NO2। तो इसमें नाइट्रो जो ग्रुप है वो एक FG है ना, NCERT के अकॉर्डिंग NO2 क्या है, नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे क्या, पहला FG, दूसरा डबल बॉन्ड को भी ना हम FG में काउंट करते हैं, है ना। तो जब अगर बेंजीन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से लगा हो तो उसे हम एल्किलेनिक बोलते हैं, 2 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, एथिलेनिक, एथिलेनिक डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट डबल बॉन्ड लगा हो तो उसे हम बोलते हैं एल्किलेनिक, है ना, यानी अगर 2 कार्बन है तो 1, 2 तो एथ हो जाएगा, सो एथिलेनिक, एथिलेनिक डबल बॉन्ड। तो कहने का मतलब सर ये हो गया ना कि जो अपना है ना अपना थर्ड वाला एग्जांपल, उसमें तो एक एथिलेनिक डबल बॉन्ड है, एथिलेनिक डबल बॉन्ड है, दूसरा NO2 नाइट्रो वाला ग्रुप है, ठीक। तो ये हो गया इसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम, ठीक। तो एल्डिहाइड, ईथर है ना, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड आवर प्राइमरी एमीन, टर्सरी एमीन एंड एस्टर, एंड यहाँ पर एक नया नाम एथिलेनिक डबल बॉन्ड एंड ये नाइट्रोजन, नाइट्रो ग्रुप है ना, नाइट्रो वाला कंपाउंड, नाइट्रो ग्रुप NO2, ठीक। ये चीज़,
तो अभी तक जितना हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन ख़त्म कर लिया। ठीक है, अब बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब क्या है। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक की रिएक्शंस कैसे होती हैं, और फिर हम बहुत सारे टर्म्स सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ की रिएक्शंस को समझने के लिए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो एक्चुअल में रिएक्शंस कैसे हुई वो सारा खेल समझ में आएगा जब आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे तब। ठीक है, तो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म ट्वेल्थ के बेस यानी इलेवेंथ के बेस पे तो पढ़ाऊंगा ही, है ना। इससे भी थोड़ा सा हम लेवल ऊपर करके चलेंगे, है ना, जैसे कि हम लोग का कॉम्पिटिशन का भी बेस बन जाए। तो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने आईपीएससी पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा एंड आइसोमेरिज्म तक पढ़ा, ठीक है ना, और फिर ये सारे क्वेश्चंस। तो चलिए, अभी तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।